आईपीएल 2023 खत्म हो गया, चेन्नई इस बार फिर से खिताब जो है ले गई। रविंद्र जडेजा का लास्ट चौवा लोगों को याद रहेगा, लेकिन इस आईपीएल में कई ऐसे नए प्लेयर निकल कर के आए जिस पर बात होनी बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि बड़े नाम के पीछे इन छोटे खिलाड़ी जिन्होंने बड़ा काम किया है उसका नाम जो है वो ढक जाए या छुप जाए। सबसे पहले याद कीजिए रिंकू सिंह को, कलकत्ता का वो मैच 5 बॉल पर 5 छक्का लगा करके रिंकू सिंह ने ये बता दिया। कहा जा रहा था कि रिंकू सिंह जो है कभी वो पोछा मारने और झाड़ू बहारने का काम करते थे, लेकिन जब रिंकू सिंह ने 5 बॉल पर 5 छक्का मारा तो आईपीएल सहित पूरे देश में उसके नाम पर चर्चा होने लगी। जो सुपरस्टार शाहरुख खान है उनके साथ भी उनकी फोटो आई, क्योंकि उन्हीं के टीम में वो खेल रहे थे। दूसरे नंबर पे आते हैं यशस्वी जसवाल। यशस्वी जसवाल के पिताजी पानी पूरी बेचने का काम करते हैं, जिसको अलग अलग परिवाची शब्द में गोलगप्पा फुचका वगैरह कहा जाता है। उस लड़के के स्ट्राइक रेट को अगर आप देखिएगा तो इस आईपीएल में 160 के स्ट्राइक रेट से उसने रन बनाई है। 13 बॉल पर 50 रन मारने का भी रिकॉर्ड है, यानी लगभग 2 ओवर में जो है उसने 50 रन मार के रिकॉर्ड किया। और क्या बेहतरीन शतक जो है उन्होंने राजस्थान के तरफ से खेलते हुए मारा। यशस्वी जायसवाल के पिताजी पानी पूरी बेचते हैं, जब यशस्वी जायसवाल शतक मारते हैं तो वो पुराने फोटो जो हैं वो निकल करके सोशल मीडिया पर छा जाते हैं। यशस्वी जायसवाल भी पानी पूरी देते हुए नजर आ रहे हैं। कई ऐसे प्लेयर, सबसे डेंजर प्लेयर के रूप में गुजरात के तरफ से शुभमन गिल आए। शुभमन गिल ने जो शतक मारा जो है वो कई खिलाड़ियों को, और कहा गया कि भारत को एक नया ऑलराउंडर भी मिल गया है और भारत को एक नया ओपनर भी मिल गया है। शुभमन गिल ने जो है शतक मार करके बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं, जो बड़े खिलाड़ी हैं, क्योंकि जो खिलाड़ी जो कोच रहते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े टीम है, चाहे मुंबई हो या अन्य टीम हो, वहाँ पर खुद मुंबई के खिलाफ जिस तरह से उनकी बैटिंग आई शुभमन गिल की, याद कीजिए वो शतक जो टेलिमिनेटर मैच हो रहा था, क्वालिफायर 2 हो रहा था, उसमें उनका शतक आया। उसके बाद कई और प्लेयर हैं जिन्होंने अपने नाम पे जो है इस आईपीएल को अपने नाम से भी यादगार किया है। उसमें कई नाम जो है हम आपको बताना चाहते हैं, लेकिन रिंकू सिंह और यशस्वी जायसवाल के साथ साथ शुभमन गिल भी एक तरह से जो है वो बड़ा प्लेयर है। ऋतुराज गायकवाड़ को याद कर लीजिए, चेन्नई के तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ ने क्या शानदार बैटिंग की। उसके अलावा कई ऐसे प्लेयर जिस पर चर्चा होनी चाहिए, तिलक वर्मा याद कर लीजिए, तिलक वर्मा ने क्या बेहतरीन जो है वो मैच खेला मुंबई इंडियंस के लिए। उसके अलावा जो है कल जिस तरह से 90 रन से ऊपर की पारी जो है वो गुजरात टाइटंस के लिए खिलाड़ी ने खेला, ये सभी नाम जो है वो बड़े सितारों के नीचे छुप जाते हैं। इसलिए हमने सोचा कि रिंकू सिंह, यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ या तिलक वर्मा जैसे प्लेयर जो हैं इस आईपीएल में भारत के नए सितारे के रूप में मिले हैं और ये भारत का क्रिकेट के भविष्य भी हो सकते हैं, इसलिए ये नाम बताना आपको बहुत जरूरी हो गया था। फिलहाल आप जनता जी